हेलो दोस्तों, आज हम आपसे वित्तीय साक्षरता के ऊपर एक संवाद करने जा रहे हैं, जिसे कि स्पेशली स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सुधार तथा सामाजिक स्तर को उठाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है, और जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ रूटसेटी के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में बनाया गया है। और इस अध्याय का जन जन पर बहुत ही बृहद प्रभाव भी है, ना केवल स्वयं सहायता समूहों में, बल्कि यह भारत के सभी तबकों को दिल से छूता है, क्योंकि हमारे देश के लगभग लगभग 70% की आबादी कहीं न कहीं वित्तीय साक्षर ना होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुआयामी इस वित्तीय कोर्स को जारी किया गया है, जिसे आज हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे और सावधानीपूर्वक इसे अपने जीवन में उतारेंगे भी, तथा समाज के समस्त नागरिकों को और समूहों को इस वित्तीय ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखेंगे हम पहले पेज के सबसे ऊपर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, आय, बचत और व्यय। सारा खेल इन्हीं तीनों शब्दों का है। आप चाहे कितना भी कमाते हैं, क्या आप कितना बचत करते हैं और कितना व्यय करते हैं। यदि आपने अपने आय से पहले बचत कर लिया, फिर जो बचा उसे व्यय कर लिया, तो आप जीवन में कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। और यदि आपने जितना आय किया पहले खर्च किया, फिर जो बचा उसे आपने बचत किया, तो कई बार ऐसा देखा गया है या तो कुछ नहीं बचता या फिर आपने थोड़ा बहुत बचा पाया है। तो इससे हमारे जीवन का आर्थिक सुधार शायद नामुमकिन हो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ताका पंचती साक्षरता का पंचसूत्र देखिए, इसमें 5 सूत्रों के बारे में बताया गया है, जैसे कि जीवन चक्र की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय नियोजन, आपके जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए वित्तीय नियोजन करिए, बुद्धिमानी से व्यय करिए और स्मार्ट सेविंग करिए, बनी बचत करिए, परिपक्वतापूर्ण ऋण लीजिए और बीमा एवं पेंशन को भी लीजिए और जानिए भी। देखिए, आज हम इस टॉपिक को ऐसे आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आप हमारे लाभार्थी भी हैं, और हम जानते हैं कि आप एक ट्रेनर भी बन सकते हैं और इसी ट्रेनिंग के माध्यम से अपने समूहों को या फिर अपने जनजन को आप मार्गदर्शित भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका आपको शिक्षित करना होगा। प्रत्येक एसएचजी सदस्य को अपने बेहतर आर्थिक सुधार और बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए इन पंच सूत्रों को अपनाना और व्यवहार में लाना है। देखिए, इस सब्जेक्ट को हमारे बीच लाने का मुख्य श्रेय हमारे महानिदेशक राजेश रंजन जी को जाता है, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ रूटसेटी के महानिदेशक हैं, और इन्होंने बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से इस टॉपिक को बनाया है, जो कि आज हम आपके बीच में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें लगभग 9 क्रम संख्याएं हैं, यानी 9 सब्जेक्टों हैं, और इन्हें एक एक पोस्टर के माध्यम से समझाया गया है। और देखिए, पोस्टर 1 है, क्या कहता है कि ये पोस्टर 1 प्रयोग निर्देश दिया गया है, इसमें वित्तीय नियोजन का पहला पार्ट है, यानी प्रतिभागियों को अनुभव कराना कि उनकी वित्तीय सुधार में स्थिति में इसमें कुछ विषय वस्तु हैं जिन्हें कि एक क्रमवाइज दिया गया है, और इसमें चार्ट के माध्यम से ही पूरी चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें यानी पोस्टर बनाए गए हैं, उन पोस्टरों के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पोस्टर 1 होगा, इसमें देखिए जो भी प्रतिभागी हैं, जिन्हें आप अपना चीज बताना चाहते हैं यानी सिखाना चाहते हैं, उन्हें अनुभव कराना है कि वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्तीय नियोजन की आवश्यकता है। देखिए, मतलब यदि आप अपने सुधार लाना चाहते हैं तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी जो गरीबी चक्र है उससे हमें बाहर निकलना है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है पोस्टर 1 हमारा, और ये गरीबी चक्र का है। इसमें 6 चक्र दिए गए हैं, और पहला इसमें पॉइंट है, दैनिक मजदूरी करने वाले
कम अनियमित आय। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो लोग प्रतिदिन मजदूरी करते हैं यानी डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले, तो ऐसे लोगों का आय कई बार कम भी होता है और अनियमित है, यानी मतलब किसी दिन ज्यादा कमा लिए, किसी दिन बहुत कम या कुछ भी नहीं कमा पाए। तो आप बताइए ये लोग कैसे गरीबी चक्र से बाहर निकलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, कोई बचत नहीं, अधिक कर्ज। यदि देख लीजिए, यदि आपने सेविंग नहीं किया है और आपने कर्ज पर कर्ज, कहां कहां से कर्ज लिया है, गांव के साहूकारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से या फिर किसी वित्तीय संस्थानों से, और आपने बचत नहीं किया तो कैसे उनका चुकाएंगे, आप फिर गरीबी चक्र में फंस गए। तीसरा पॉइंट है आकस्मिक आवश्यकताएं, जैसे कि अचानक बीमार पड़ना। देखिए ये कोई नहीं जानता कौन कब बीमार पड़ जाए, कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, और क्या आपने उसके लिए अभी से कोई बचत किया है या कोई मेडिकल पॉलिसी लिया है या कोई बीमा लिया है। नहीं लिया तो एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए, अन्यथा ये घटनाएं होने पर आपको बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए इसमें बताया गया है कि आपातकाल, मतलब ऐसे प्राकृतिक आपदाएं जिसमें फसल बर्बाद हो जाती है अक्सर करके किसानों के, और या उनकी प्राइसेस गिर जाते हैं, या फिर आप देख रहे हैं हमारे देश में मौसम किस तरह से करवट ले रहा है, कभी गर्मी में भी ठंड होती है या ठंड में गर्मी, या फिर इस मौसम में भी बरसात होती है। तो कहने का मतलब यदि मौसम बिगड़ता जाएगा तो हमारे किसान या फिर हमारे जो भी सामाजिक लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। कम आय के बावजूद, अगला पॉइंट है पांचवा, कम आय के बावजूद सामाजिक जिम्मेदारियां। यदि आपने आय कम किया है और सामाजिक जिम्मेदारियों में ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे पहले आपको बचत करना पड़ेगा और एक SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब एक सिस्टम से अपना इन्वेस्टमेंट और अपना बचत की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। छठा पॉइंट में बताया गया है उच्च ब्याज पर उधार लेना। देखिए ब्याज पर यदि आप उधार लेते हैं तो आप जान जाइए कि सबसे अच्छा जो साधन है ब्याज पर उधार लेने का वो है आपका बैंक। इसके अलावा या फिर आपका जो समूह है जिसे आप चला रहे हैं वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता उधार लेने का, क्योंकि यदि आपने गांव के साहूकार से लिया या पड़ोसी से लिया या रिश्तेदारों से लिया तो आप जान जाइए कहीं ना कहीं आपको उनके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, और यदि उन्होंने मांग लिया और आपके पास नहीं हुआ तो आपको कहीं ना कहीं आपको सामाजिक नुकसान जरूर होता है। हाँ यदि आपने बैंकों से लिया है या वित्तीय संस्थानों से या समूहों से लिया है तो कोशिश करिए कि हर महीने की किस्त सबसे पहले महीने के पहले हफ्ताह में जाकर जमा कर दीजिए, आखिरी महीने की 30 तारीख का इंतजार कभी ना करें। चलिए हम चलते हैं वित्तीय नियोजन के पार्ट 2 में, यानी पोस्टर नंबर 2 में। देखिए इस वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण करने और नियोजन करने में उन्हें अभिप्रेरित करना है, यानी जो भी आपके समाज के लोग हैं उन्हें आपको प्रेरित करना है कि वित्तीय नियोजन अब कैसे करें, क्या करें। तो अब उन्हें अपने लक्ष्य प्रतिमाह या सप्ताह बचत करने की आवश्यकता और दैनिक आधार पर नियमित रूप से बचत करने की आवश्यकता का पता चलना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैसे कौन से पोस्टर हैं। देखिए अभी पोस्टर नंबर 2 में कुछ फोटो के माध्यम से बताया गया है। पहला है अल्प अवधि का लक्ष्य, यानी मतलब कर्ज का भुगतान। यदि आपने कोई छोटा मोटा कहीं से भी कर्ज लिया है तो अपनी बचत से सबसे पहले उस कर्ज को दूर करिए, क्योंकि असली बीमारी का जड़ यही है, सबसे पहला इलाज इसी का होना चाहिए। जैसे आप समझिए यदि आपके हाथों में या पैरों में या कहीं फोड़ा हुआ है और उसकी वजह से शरीर खराब हो रही है तो सबसे पहले हमें उस फोड़े को, जड़ को ही हटाना है। ऐसे ही समझिए यदि आपने कहीं से कर्ज लिया है तो सबसे पहला लक्ष्य आपका उस कर्ज को चुकाना होगा। मान लीजिए कि आपने 25,000 रुपए का कहीं ना कहीं कर्ज लिया है, मान लीजिए
अगला है, दूसरा पॉइंट है मध्यम अवधि का लक्ष्य एक उत्पादक संपत्ति, यानी मतलब आपका लक्ष्य होना चाहिए एक छोटा मोटा कोई ना कोई उत्पादक, या मतलब ऐसी चीज कि दूध देने वाली गाय या भैंस यदि आपने पाल लिया तो आपने एक तरह से अपनी आमदनी में कहीं ना कहीं थोड़ी जरूर बढ़ोतरी की। एक तो गाय आपकी एसेट भी हो गई, आप कल को उसे बेच करके भी कमा सकते हैं, और उसके दूध जब तक दे रही है तब तक आप उस दूध को अभी बेच करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मान लीजिए कि उसकी कीमत 25,000 रुपए हो सकती है। अगला है तीसरा, लंबी अवधि का लक्ष्य, यानी मतलब देखिए इसमें लक्ष्यों को अपने निर्धारित करना है दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्प अवधि में, यानी मतलब अपने आवश्यकताओं के अनुसार। देखिए लंबी अवधि में क्या क्या हो सकता है, इसमें लगभग 2 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना है, अभी मान लीजिए कि आपके बेटे को 10 वर्ष के बाद उच्च शिक्षा दिलाना है, उसको ग्रेजुएशन कराना है या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, तो उसमें एक मोटा मोटा, एक मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है फिर भी लगभग 50,000 रुपये का खर्च आने वाला है, तो उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी चाहिए। और बेटी की शादी, यदि मान लीजिए कि आपके पास बेटी है तो और उसकी शादी 15 साल 10 साल के बाद होने वाली है, तो आप उसके हिसाब से जो लाख जो भी खर्च होने वाला है, महंगाई आप जान रहे हैं कि 1 लाख में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि 1 लाख रुपये मिनिमम आपका खर्चा होने वाला है, यानी 1 लाख रुपये कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको अभी से एक छोटी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी लंबी अवधि के लिए कुल खर्चा कितना हो गया आपका 1.5 लाख रुपये का, और आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हमें अपने जीवन चक्र के लक्ष्यों का वित्तीय नियोजन करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। सपोज करिए, देखिए नीचे दिया हुआ है सर्किल में, इसे प्राप्त करने के लिए योजना कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एक टीवी खरीदना है, घर में टेलीविजन लाना है, इसके लिए कैसे प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे कि इसकी लागत कितनी होगी और ये कितने रुपए का मिलेगा, और वर्तमान में क्या इसके लिए आपने कोई बचत किया है, यदि नहीं किया तो कैसे करेंगे, और यदि करना है तो समय पर जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिमाह कितनी बचत पूरी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से आप अपने प्रत्येक लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं वित्तीय नियोजन पार्ट 3 की तरफ, और इसमें हम पोस्टर के माध्यम से जानेंगे कि वर्तमान में खर्च करने के अपने वर्तमान पैटर्न की स्वयं समीक्षा, यानी मतलब अभी आपका क्या क्या खर्चा है। चैप्टर में यानी पोस्टर में जो भी बताया गया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपके खर्चे इससे अलग भी हो सकते हैं। और इसके में हम देखेंगे इस चैप्टर के पोस्टर के माध्यम से कि प्रतिभागियों को पता चलता है कि उनके वर्तमान व्यय की समीक्षा वो कैसे करें, और वे यह भी जान जाते हैं कि वे बचत नहीं कर पाते, और यदि उचित योजनाएं बनाए जाएं तो वे मासिक आय से बचत भी कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य संदेश यही मिलेगा आपको कि जरूरतों, आवश्यकताओं और बुराइयों की पहचान करना, ये वर्तमान खर्च करने की पैटर्न की समीक्षा करने की जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है हमारा पोस्टर नंबर 3। इसमें आपको चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें कॉलम दिए गए हैं, और इसमें रोज के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये खर्चे हो सकते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए, एक ये मासिक आय है आपकी, सपोज करिए आपकी मासिक आय कुछ भी है, जो भी है आपकी मासिक आय, है ना। तो अब इसमें वर्तमान में जो खर्चे हैं उन्हें, जैसा कि भोजन, अभी मान लीजिए कि भोजन में आपका मासिक खर्चा 1,000 रुपया होता है ना। तो अब इसमें आप जरूरत, आवश्यकता और मूर्खता तीनों को कैटेगराइज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, आपकी जरूरतें हैं या फिर आवश्यकता है और मूर्खता, इन तीनों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए आपका जरूरत क्या है, आपको कितना खर्च करना चाहिए, या फिर या एक खर्च करना ही बहुत जरूरी है तो आप उसे आवश्यकता समझ सकते हैं,
या फिर आपको लगता है कि ऐसे खर्च हो रहे हैं हमारे भोजन में जो कि मूर्खतापूर्ण है, जैसे कि महीने में कई बार आप बाहर जाते हैं खाने के लिए, या फिर किसी प्रकार का भारी मांसाहार का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटे मोटे करते रहते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि आपके खर्चे ज्यादा हो। और आप देखेंगे कि यदि आपने जैसा बताया कि यदि ये भोजन पे आपका 1,000 रुपया मासिक खर्चा हो रहा है, तो उसमें से आपको देखना है कि यदि आपकी आवश्यकता सिर्फ 800 रुपए की है तो आपका यहाँ पर प्रस्तावित खर्च कितना हो गया, यानी प्रस्तावित खर्च आपका 800 रुपये हुए। अब यहाँ पर आपने कितने रुपए बचा लिए, 200 रुपये। इसी तरह से आपको हर चीज का, चाय कॉफी में भी, या फिर सुआ क्या शराब जुआ या सिगरेट पान में भी, आप इस तरह के खर्चों को एनालाइज करते हैं कि दिन में कितनी चाय या कॉफी जरूरी है आपको, और क्या ये बहुत जरूरी है, या फिर ये शराब जुआ सिगरेट क्या ये आपकी जरूरत में है या आवश्यकता में है या मूर्खता में है। हमें तो लगता है ये मूर्खता में है। तो इसी तरह की चीजों को आप उनको साइड कर दीजिए। यदि आपका खर्चा जुआ शराब सिगरेट में यदि 500 रुपये महीना का होता है, तो आपको इसे तो मेरे हिसाब से जीरो खर्च कर देना चाहिए और आपको हर महीने का 500 रुपये बचा लेना चाहिए। कपड़े, अब आपको कपड़े में भी देखिए, ये वर्तमान में जो भी आपके कपड़े में महीने में खर्च हो रहे होंगे, मान लीजिए कि ये 500 रुपये खर्च होते होंगे कपड़े में, तो आपको इसमें से 200-300 रुपये का ही आवश्यकता होगा, या पूरे ही ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, जहां से आपने बचाया है वो यहाँ पर कंपनसेट हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने खर्च को मिनिमाइज कर सकते हैं या थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। घर की मरम्मत करने में यदि आपको लगता है कि वर्तमान में अभी कोई जरूरत नहीं है, तो इस पैसे को भी सेव कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी इस घर को जरूरत मरम्मत की बहुत जरूरत है, तो आपने किसी और माध्यम से जैसे कि चाय कॉफी को कम करके, शराब जुआ को बंद करके, उसी पैसे को सेविंग के रूप में डाल करके आप अपने घर की मरम्मत भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी आपने पैसे बचत करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं से कोई बाहर से भी उधार लेना नहीं पड़ा। आगे चलते हैं, गहनों या ज्वेलरी की खरीदारी। देखिए ये आप महिलाओं को ये बहुत ही भाने वाला चीज है, और जितना हो जाए शायद उतना कम होता है, लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत, आवश्यकता और मूर्खता तीनों में अंतर करने पड़ेंगे। जरूरत कितनी की है आपकी, या फिर बहुत आवश्यकता है, आपके पास एक भी पीस नहीं है तो आप सोच सकते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ शौक से या पड़ोसी का देख करके या सिर्फ दिखावा करने के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो शायद ये मूर्खता में होगा। तो आप इस तरह के पैसे को भी बचा सकते हैं। त्योहार, देखिए हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। हर महीने में कोई ना कोई एक दो त्योहार आते हैं, कोई कोई महीना तो त्योहार के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि मार्च का महीना होली के लिए, और अगस्त का महीना बहुत सारे त्योहारों के लिए भी, और आपका अक्टूबर का या नवंबर का महीना दीपावली के बहुत सारे त्योहारों के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमारा त्योहारों पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। हम नहीं कहते कि आप त्योहारों पर बिल्कुल खर्च मत करिए, लेकिन वहां पर भी आपको जरूरत, आवश्यकता और मूर्खता में बिल्कुल अंतर करने की जरूरत है। आपको कितनी जरूरत है खर्च करने की, या क्या जरूरत ही है, या फिर बहुत आवश्यकता है मतलब खर्च करना ही है, या फिर सिर्फ दिखावा कि पड़ोसी के पास आज इतने पटाखे आए हैं, हमारे पास भी इससे ज्यादा होने चाहिए। तो ये सिर्फ दिखावा है, मूर्खता है। इन्हीं पैसों को बचा करके आप अपने खर्चों को सेव कर सकते हैं। स्कूल की फीस और किताबें, देखिए ये ऐसी जगह है जहां पर कि खर्च को बढ़ाना पड़ जाता है कई बार, और आप कर भी सकते हैं यदि आपने कहीं से पैसा बचाया है तो, जैसे कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी किताबों के लिए, या फिर अच्छे उनके परवरिश के लिए, खानों पीने के लिए, तो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य वही है, उन्हीं से आपको सब कुछ मिलना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर है सामाजिक अवसरों पर उपहार देना। देखिए सामाजिक अवसरों पर उपहार आज के डेट में कभी किसी को खास जरूरत नहीं पड़ती। आपने मान लीजिए किसी का कुछ भी आइडल्स दिया, या फिर कोई ऐसा चीज दिया जो कि जाकर के उनके घर में रख करके वो धूल खा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अवसर भी क्या बोलते हैं, उपहार भी किसी काम का नहीं है। यदि आपको उपहार देना ही है तो उनके घर जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बैठिए, बातें करिए,
इससे आपका सामाजिक मेल मिलाप भी होगा, या उन्हें अपने घर बुलाइए, उनका खान पान करिए, स्वागत करिए। तो दिस इज द कहते हैं कि ये एक तरह से मेल मिलाप भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि जो खर्च किया है वो कहीं वेस्ट भी नहीं गया। अगला है तीर्थ यात्रा या यात्रा। देखिए ये एक समय के बाद सभी धर्मों में अपने इष्ट आप लोग यदि तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं बेशक जाइए, बर्थ हंसते इसके लिए आपको एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको उसमें कितना खर्च होने वाला है और कितना अभी तक आपने बचाया है। तो इसी प्रकार से आप अपने तीर्थ यात्रा को भी संपन्न कर सकते हैं। अगला है बीमारी दवाई। ये मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि इस पर आपको बहुत सारे खर्चों को कम करके इसके लिए वर्तमान में जो खर्चा है इससे ज़्यादा आपके पास रखना चाहिए हमेशा भविष्य के लिए। ये जरूरत नहीं, मूर्खता नहीं, ये आवश्यकता है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में पड़ सकती है। तो इसी प्रकार जो है आप अपने कुल खर्चे को कितना वर्तमान में खर्चा करते हैं, आप कितनी जरूरत में खर्चा करते हैं, कितनी आवश्यकता में खर्चा करते हैं, कितनी मूर्खता में खर्चा करते हैं, तो इन्हीं को आप बाइफर्केट करते हुए आप प्रस्तावित राशि कितनी खर्च करते हैं, तो आप इसी को आप जो है कॉलम नंबर दो, ये जो जो दो नंबर का है और से 12 नंबर तक का आपने जोड़ लेना है। तो ये आपके कुल कितने हो गए खर्च, और एक नंबर आपका आमदनी है, तो आप यहाँ पर खर्च बटे घाटे को कर सकते हैं, यानी एक से एक नंबर को, यानी जितनी आपकी आमदनी है उससे, और ये 12 नंबर जो 13 नंबर का है इसमें माइनस करना है। तो जो अमाउंट आपका यहाँ पर आता है ये आपका बचत है, यदि आपने खर्च ज्यादा किया होगा तो आपका घाटा है। तो यहाँ पर क्या टिप्पणी आप कर सकते हैं कि आगे के लिए क्या प्लानिंग होगी। तो ये पोस्टर नंबर 3 में आपको बताया गया है, मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है कि आपको समझाने का, फिर भी आपके मन में कुछ और खर्चे हों या कुछ और आमदनी के स्रोत हों तो आप उन्हें अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं पोस्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि दिशा निर्देश कहता है इसमें बुद्धिमानीपूर्ण खर्च है। इसमें खर्च के बारे में किया गया है बातें कि देखिए प्रतिभागियों को बताना है कि उनका पैसा किस प्रकार और गैर आवश्यक खर्च के लिए किया जा रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप वे बचा नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि कौन कौन ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कि वो रोकने चाहिए। तो इसमें प्रतिभागी खर्च करने से पहले अच्छी तरह से सोचने की आवश्यकता को समझ पाते हैं। मुख्य संदेश यही है इसका कि खर्च को व्यापक रूप से जरूरतों, इच्छाओं और बुराइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाए और उसको समझा जाए कि कौन से खर्चे आपके जरूरत के लिए हैं या इच्छा, सिर्फ मात्र इच्छा कर दिया आपका, या फिर वो बिल्कुल बुराई है। तो आगे बढ़ते हैं पोस्टर नंबर 4 की तरफ। देखिए पोस्टर नंबर 4 को बड़े ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है और देखिए ये गैर जरूरी खर्चे और ये जरूरी खर्चे। अब आपको देखना है इसमें 3 पोस्टर दिए गए हैं, पे, क, ख और ग। तो क में जो हमें बताया गया है कि देखिए ये आमदनी है, पहले तो ये देखिए इस मटके में आपने अपनी आमदनी डाली और मटके में जितनी ज्यादा छेद करेंगे उतना ज्यादा आपका रकम यानी पानी के रूप में बहता चला जाएगा। अब आप देखना है कि कौन कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन कौन से गैर जरूरी हैं। शराब क्या लगता है आपको, ये गैर जरूरी है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन आप शराब को पीते हैं बाद में शराब आपको पीने लगती है। इसी तरह से तंबाकू भी गैर जरूरी में ही आता है। देखिए तीर्थ यात्रा ये गैर जरूरी ही है लेकिन किसी किसी को अच्छा लगता है तो वो तीर्थ यात्रा में भी खर्च कर सकते हैं, परंतु ये गैर जरूरी में ही आता है, ये नोट करने वाली बात है। अगला है प्राकृतिक आपदाएं। देखिए ये जरूरी है, इसे समझना है आपको कि ये जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के लिए बचत और उस पर खर्च ये जरूरी है। शिक्षा ये भी बेहद जरूरी है, मकान बनाना या मरम्मत करना भी बेहद जरूरी है। भोजन के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाइए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, इसके लिए भी
खर्च करना जरूरी है। कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान, आप तीनों की बातें हो गई। मतलब कहने का कि रोटी कपड़ा और मकान ये हमारे जरूरी में आएंगी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, बीमारी के लिए, आकस्मिक एक्सीडेंट या दुर्घटना के लिए, जो कि आपको सेव करना चाहिए। देखिए विवाह, इसको गैर जरूरी में रखा गया है। ये एक्चुअली गैर जरूरी होता नहीं, ये जरूरी होता है, लेकिन इसमें किए जाने वाले खर्चे जो है ना वो गैर जरूरी में आते हैं। इसीलिए अपने हैसियत के मुताबिक जितने कि आप बड़े ही प्रेम से इच्छा से खर्च कर सकते हैं उतना ही खर्च करना चाहिए। ये लड़की और लड़के पक्ष दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहू लेकर आए और बहू का बाप जो है किसी साहूकार के कर्ज में डूब करके उसकी हाल बहुत खराब हो गए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा समधी मिले जो कि बहुत मतलब सामाजिक रूप से परेशान रहे? कभी नहीं चाहेंगे ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऐशो आराम और जुआ, ये दोनों भी गैर जरूरी हैं। ऐशो आराम मतलब जो ऐसे ऐसे लग्जरी सामान खरीदना, जैसे कि आप कार खरीद लेते हैं अपने लिए। क्या कार जरूरी है? पता है आपको, जिस दिन आप कार खरीदते हैं उसी दिन से उसमें टैक्सेस, पेट्रोल या फिर बेहद मतलब कहने का कि खर्च का ही घर है। यदि आपकी आमदनी बहुत अच्छी है यू कैन टू, आप ले सकते हैं और उसे इंजॉय भी कर सकते हैं, परंतु एक लिमिट में। और जुआ, देखिए ये जुआ किसी भी आमदनी के लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत अमीर हैं उसके लिए भी नहीं, या फिर आप बहुत अच्छा कमाते हैं उनके लिए भी नहीं, या फिर कम कमाने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। ख, हम देखते हैं खर्च करने से पहले दो बार सोचें। देखिए यहाँ पर आप किसी साहूकार से कर्ज ले रहे हैं तो एक नहीं दो तीन चार बार सोचिए कि क्या बहुत जरूरी है, कि इस कर्ज के बिना हम जी नहीं सकते। और त्योहारों में खर्च करना, यहाँ पर भी मेलों में खर्च करना, यहाँ पर भी आपको बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना है। ये आप रिश्तेदारी में या फिर समाज में बैठे हैं तो यहाँ पर कितना खर्च कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखना है, या फिर किसी ज्वेलरी शॉप पर जा करके वहाँ कितना खर्च कर सकते हैं, तीर्थ स्थान पर या शादी में, तो यहाँ पर खर्च करने से पहले दो चार बार आपको सोचना चाहिए। अगला है ग, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें। देखिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपने अच्छे से सुना होगा, जानते भी हैं और समझते भी हैं। आप वैसे भी महिलाएं हैं तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाती हैं कि अपनी आमदनी को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। देखिए इसमें दिखाया गया है यदि आपकी आमदनी ज़्यादा है और खर्च आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है तो आप साहूकार के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। और तब आप क्या करते हैं, आप आमदनी और खर्च को बराबर सोच करने की सोचते हैं फिर। और आप जो है यहाँ पर यदि अब आपकी आमदनी ज़्यादा जब हो जाती है और खर्च कम हो जाता है तब आप बचत करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों ही तराजू बड़े ही सोच समझ कर बनाया गया है। इसका मतलब है आमदनी ज़्यादा होगी तो बचत होगा, यानी खर्च कम होंगे तो बचत होगा। आमदनी ज़्यादा होने से कभी ज़्यादा बचत नहीं हो सकती, सिर्फ आपको खर्च कम करके ही बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पोस्टर चार के बारे में जाने और पोस्टर पांच के बारे में जानते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च पार्ट टू के बारे में। उद्देश्य इसका यही है कि जरूरतों, इच्छाओं और बुराइयों के लिए खर्च में अंतर कर पाने योग्य बनना। देखिए हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यही नहीं तय कर पाते कि क्या जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या बुराइयां हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी ये पिक्चर्स हमें दिख रहे हैं इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा ये पोस्टर्स बनाए गए हैं। उन्हें भी क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका भी बहुत सहयोग है इस देश को आगे बढ़ाने में, बहुत क्या कहूँ, सारा ही सहयोग है RBI का। आगे बढ़ते हैं, जरूरतों, इच्छाओं और बुराई, हम आगे बढ़ते हैं बुद्धिमत्ता पूर्ण खर्च पार्ट टू यानी पोस्टर पांच के बारे में। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जरूरतों, इच्छाओं और बुराइयों के लिए खर्च में अंतर कर पाने योग्य बनना। इसका मतलब है
कि कई बार देखा गया है हमारे समाज में या हमारे हम हमारे बीच में या हम खुद कई बार यही नहीं समझ पाते कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं या फिर कौन से खर्चे बुराइयों में आते हैं। तो इसी तरह से हम जानेंगे और इसमें परिणाम में आपको ये पता चलेगा कि प्रतिभागियों को पता चलता है कि खर्च पर नियंत्रण के कारण बचत होती है। देखिए, आप खर्च कम करेंगे तो बचत ज़्यादा होगी और ये वे यह भी समझते हैं कि उसी आय से एक निम्न व्यक्ति निम्न के द्वारा अधिक बचत कर सकता है और बुराइयों पर खर्च से बचना और इच्छाओं पर खर्च को कम करना। मुख्य संदेश यही है कि जब भी आप खर्च करते हैं ट्रैफिक सिग्नल वाले चित्र को याद करके खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को देखते हैं, पोस्टर को देखते हैं। देखिए, ये है ट्रैफिक सिग्नल, पोस्टर नंबर 5 के कुछ इसमें पॉइंट में दिए गए क और ख के बारे में हमें समझाया गया है। और क में एक सिग्नल बनाया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से बुराइयां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन कौन से जरूरतें हैं। देखिए, हम कहने को तो हम एक ही चीज़ को बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना डिफरेंस क्लियर हो जाए कि कौन बुराइयां, कौन अच्छाइयां और कौन इच्छा जरूरतें। तो क में देखेंगे, खर्च करने से पहले दो बार सोचें। बुराइयों में सबसे पहले अल्कोहल और जुए और सिगरेट, तम्बाकू जो भी है आपके, ये सब के सब बुराइयों में ही आते हैं। इच्छाएं, जैसे कि आप सोचते होंगे कि कोई फेस्टिवल में खर्च कर लें, यात्रा कर लें या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीद लें घर में, हमारे घर में ये भी जरूरत की है, हमें लगता है कि ये भी जरूरत की है, जबकि वो सिर्फ आपकी जरूरत नहीं, इच्छाएं भी हो सकती हैं पड़ोसी का देखने के बाद। तो आपको समझना चाहिए कि वो इच्छाएं हैं, वो ज़्यादा पैसा होने पर बाद ही खरीदिए। और अगला है जरूरतें, ये कि आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या जरूरतें हैं। और जैसे कि आपका अपना घर है, घर बनाना, मरम्मत करना, ये जरूरतों में आता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाना और अपने लिए कपड़े या खाना पीना का अरेंजमेंट करना, ये आपकी जरूरतों में आता है ना। यदि जरूरतें सीमित होती हैं, खर्च करें। इच्छाएं असीमित होती हैं, खर्च कम करें। बुराइयों में जोखिम होता है, इससे बचें। बड़ा ही सब कहते हैं ना कि बड़ा ही जो है मार्मिक शब्द लिखा हुआ है, जरूरतें सीमित होती हैं, मतलब समझ रहे हैं, कुछ ही जरूरतें होती हैं जीवन जीने के लिए, तो वहां पर खर्च करिए विदाउट हेजिटेशन। इच्छाएं असीमित होती हैं, कभी भी किसी की इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर खर्च को कम से कम करें। और जो बुराइयां हैं वहां जान रहे हैं, वहां रिस्क बहुत ज्यादा है या फिर जान का भी जोखिम हो सकता है, तो उनसे आपको बचना चाहिए। और देखिए, अब ख पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप जितना कम खर्च करेंगे उतना ही अधिक बचाएंगे। जब सपोज करिए कि यदि आपने एक दिन में 4 कप चाय पीते हैं, मान लीजिए हम बात चाय पर कर रहे हैं, 4 कप चाय पीते हैं, और यदि आपने उसे 2 कर दिया, यानी 2 कप की कटिंग कर दिया आपने, तो इससे आप ऐसा नहीं है कि आपने चाय नहीं पिया तो मर ही जाएंगे आज, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, आपको थोड़ी सी तलब लगेगी चाय पीने की, बट यदि आपने कंट्रोल किया तो बहुत अच्छा। तो अभी आप देखेंगे कि आपने 2 कप चाय बचा के कुछ तो बचाया होगा। हम कह रहे हैं कि 5 रुपये बचाया होगा, 10 रुपये बचाया होगा, 20 रुपये बचाया होगा, कुछ तो बचा। आप पैसे के साथ साथ अपना समय भी बचा सकते हैं इसी के माध्यम से। तो यदि आपने देखा कि आज ये बचाया, कल ये बचाया, तो ऐसे करते 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 आपने एक दिन पैसों की बचत करते करते, और प्लस उसमें यदि आपने उसको बैंक में जमा कर दिया तो आप उस पर ब्याज भी मिल गया, तो आपका मूल बचत ये बड़ा हो गया। अब आप इसी बचत से आप एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं या कोई संपत्ति या कोई व्यवसाय कर सकते हैं या चिकित्सा में खर्च कर सकते हैं। तो देखा आपने, 2 कप चाय बचाने से आप इतना कुछ कर सकते हैं। मैं 2 कप चाय सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे खर्च होंगे जो कि आप बचा सकते हैं। और देखिए, ये भी पिक्चर RBI के माध्यम से ही ली गई है। और ये स्मार्ट बचत पार्ट 1 यानी पोस्टर 6 के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, को प्रयोग करने और कंचों का खेल खेलने के निर्देश दिया गया है। देखिए, उद्देश्य क्या है, बचत के इस सिद्धांतों को समझाना, जितना जल्दी उतना बेहतर।
कभी न करने से देरी से करना अच्छा है। मतलब कभी नहीं करने से ज्यादा अच्छा है कि देरी से ही शुरू करो। कोई धनराशि छोटी नहीं होती, नियमित बचत भारी बचत से अधिक महत्वपूर्ण होती है। और विधि क्या है, कंचों का खेल है। आवश्यक टाइम इसमें 100 कंचे या कंकड़ जो भी है, 4 प्लास्टिक की पारदर्शी बोतलें हैं, इसके बारे में इसमें समझाया गया है। और प्रतिभागी नियमित रूप से बचत के सिद्धांतों को समझते हैं और नियमित बचत की आदत को एक मुख्य आदत के रूप में विकसित करना चाहिए। शुरू करने के लिए कोई भी राशि छोटी नहीं होती, लेकिन राशि को बढ़ाने का प्रयास करें। बचाया हुआ 1 रुपया कमाए हुए 1 रुपये के बराबर होता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलते हैं पोस्टर नंबर 6 की तरफ। देखिए, इसमें अधिक बचाने के लिए जल्दी शुरू करना। सपोज करिए कि 3 लोग हैं और इन्होंने रेसिंग किया और इन्होंने 3 बजे शुरू किया, तो इनके पास ज़्यादा समय मिला और इन्होंने ज़्यादा बॉल इकट्ठे कर लिए। और इन्होंने देखिए 3:05 पर शुरू किया, तो थोड़ा सा पीछे रहे और इन्होंने कम बॉल को सेव कर पाए। और ये 3:07 पर सेव शुरू किए इन्होंने रनिंग करना, तो इन्होंने भी काफ़ी कम सेव कर पाए। तो ये वही कछुए चाल की बातें हैं, कछुए और खरगोश की जो कहानी हमने सुनी थी बहुत पहले। और धीमा परंतु लगातार चलने वाला दौड़ जीत जाता है ना। ये भी जो है कि देखिए पोस्टर में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने जल्दी और फास्ट शुरू किया तो ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, ये थोड़ा कम किए और इन्होंने बहुत कम किए, लेकिन कुछ तो सेव किए। यही बातें कहने के मेरे मतलब है कि ये कभी देर नहीं होती। आप यहाँ पर भी शुरू करेंगे तो भी आप अच्छी बचत कर पाते हैं, या थोड़ा कम करेंगे या थोड़ा कम करेंगे, लेकिन कुछ तो बचत करेंगे। इसी मतलब हमारे कहने का कि आपको अभी से सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं पोस्टर नंबर 7 यानी स्मार्ट बचत पार्ट 2 के बारे में। और इसमें हम देखते हैं कि बचत करने के कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आपको जोखिम भी हो सकता है और आपको कोई ब्याज भी ना मिले, या हो सकता है कि मूलधन और ब्याज दोनों भी चला जाए, और या फिर वित्तीय जालसाजी में या गलत प्रयोग के में आप फंस सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसके के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, एक यहाँ पर छोटा सा चार्ट दिया है इस पार्ट पे, देखिए पोस्टर 7 में छोटा सा, और इस चार्ट के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप किस तरह से क्या करना चाहिए आपको। देखिए, इसमें विवरण दिया गया है, सुरक्षा, आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता, आय, ब्याज की दर, लेन का रिकॉर्ड या प्रमाण, या फिर ऋण प्राप्त करने का अवसर। देखिए, अब यहाँ पर कुछ आपके पास सेविंग के जगह बताए गए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने अपने पैसे को घर के अंदर रखा, बॉक्स में, संदूक में, या फिर कहीं और जगह पर, तो इसमें क्या कोई सुरक्षा मिलेगी आपको? कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज इसमें पॉजिटिव है कि जब चाहेंगे तब आपको निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात भी हो सकती है कि आप बिना आवश्यकता के भी खर्च कर सकते हैं उसको, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई आय नहीं मिलता है। और इसमें क्या, जब आय नहीं मिलेगा तो क्या कोई ब्याज मिलेगा इसमें? नहीं, कोई ब्याज नहीं। इसमें कोई लेन देन का कोई रिकॉर्ड आपने रखा? नहीं। और क्या इसमें आपको कोई लोन मिलेगा? नहीं, क्योंकि घर में पैसा रखा हुआ है, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। एक दोस्त के पास यदि आपने पैसा कहीं किसी को उधार दे दिया है, तो क्या इसमें कोई सुरक्षा है? नहीं। कई बार देखा गया है कि उधारी के चक्कर में और पारिवारिक या दोस्ती वाला रिश्ता भी खराब हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। आवश्यकता के अनुसार क्या उपलब्धता है? आप कहेंगे हाँ, जब चाहेगा दे देगा। हो सकता है कि जब आपकी जरूरत पड़े तब उसके पास ना हो, तो ये इसमें भी नहीं है। आय, क्या इससे कोई आप कमा सकते हैं आय? नहीं, क्योंकि दोस्त को दिया है आपने। और इसमें क्या कोई ब्याज मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इसका कोई लेन देन का आपने रिकॉर्ड रखा, कुछ स्टाम्प पेपर पर साइन कराया था? नहीं ना, तो फिर नहीं। और क्या इसमें जो आपने दिया है उससे कोई लोन ले सकते हैं क्या? नहीं। साहूकार के पास जमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, देखा गया है गाँव पर
गांव में लोग जो है 2%, 4%, 5%, 6% पर साहूकार से ब्याज ले लेते हैं और बाद में उसी के जंगल में रह करके अपनी गिरवी जमीन भी और घर भी और पता नहीं क्या क्या लोग गिरवी रख के वो भी खो देते हैं। तो ऐसे में और साहूकार आप समझते हैं कि 2% का ब्याज ले रहा है, 2% नहीं, वो 24% साल का होता है। यदि 5% लिया तो 60% साल का होता है। तो आपको समझना चाहिए कि क्या उसमें कोई सुरक्षा है उसके पास आपने रखा है, तो बिल्कुल नहीं। और क्या तुरंत आपको मिल जाएगा, मे भी नहीं मिल सकता है। आय, क्या कोई वो आपको आय कमा के देगा, नहीं। क्या ब्याज देगा आपको, थोड़ा बहुत दे सकता है, 1% का दे देगा। और क्या लेन देन कोई रिकॉर्ड रखा आपने, कुछ स्टाम्प पेपर या कोई कुछ कराया आपने, नहीं। और क्या इससे कोई आप उसके पास यदि उधार लेंगे तो क्या आपको लोन देगा वो, हाँ देगा, बिल्कुल देगा वो लोन आपको, लेकिन उसका ब्याज जैसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा होगा, उच्च लागत पर। संपत्ति खरीदना, यदि आपके पास कुछ सेविंग है तो आप उसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे घर या जमीन या फिर कुछ भी। हाँ, इसमें कोई सुरक्षा है, बिल्कुल सुरक्षा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी सुरक्षा रहेगा। क्या तुरंत आपको उपलब्ध मिल जाएगा पैसा, नहीं, क्योंकि उसको बेचने में समय लगेगा। आय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यदि समय के साथ आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जरूर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। क्या ब्याज की कोई दर होती है इसमें, नहीं होती है, समय के हिसाब से उसमें मूल्य बढ़ता है। लेन का कोई रिकॉर्ड रखता है आप, हाँ, इसका बकायदे पूरा प्रमाण या बैनामा या जो भी कुछ है रहता है। इसमें क्या लोन मिल सकता है आपको, हाँ मिल सकता है, कम मिलता है बट मिल जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसे आप अपने बैंक में गिरवी रख करके उस पर आप लोन ले सकते हैं अपने किसी अन्य काम के लिए। सोना चांदी खरीदना, ये आज की डेट में देखा जाए तो एक ट्रेंडिंग भी है और लोग इसमें अच्छे खासे इन्वेस्ट भी करते हैं। तो क्या इसमें कोई सुरक्षा है, हाँ है, बिल्कुल है। हाँ, यदि आपने सोना खरीद करके घर में रख दिया तो कोई सुरक्षा नहीं, इसे यदि आपने बैंक के लॉकर में रख दिया तो बिल्कुल सुरक्षा होगी, किसी साहूकार के पास रख दिया तो बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं है, है ना। क्या आवश्यकता के अनुसार ये उपलब्ध होता है आपको तुरंत, नहीं, क्योंकि आपको मान लीजिए कि आपने सोना लिया है, तुरंत तो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने महंगे में खरीदा हो, अभी सोने का दाम या घट गया हो, हाँ बढ़ गया तो कल जाकर बेच सकते हैं मार्केट में, तुरंत पैसा मिल जाएगा आपको, घट गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि इसका दाम ऊपर ना आ जाए। इसमें कोई आय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसा मैंने बताया कि यदि इसका रेट बढ़ता है तो आपको आय हो सकती है, घट गया तो नुकसान भी हो सकता है। क्या इसमें कोई ब्याज दर लागू होता है, बिल्कुल नहीं, कोई लागू नहीं होता। लेनदेन का कोई रिकॉर्ड का कोई प्रमाण है, कोई प्रमाण नहीं। आपने कोई बिल लिया होगा तो अच्छी बात है। इसमें कोई लोन मिलता है, बिल्कुल लोन मिलता है, ऋण मिलता है आपको। आप अपने बैंक में जाएंगे शाखा में और वहां उनसे बात करेंगे कि सर हमारे पास इतना गोल्ड है और हम इस गोल्ड को गिरवी रख करके आपके पास से कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो वो आपके गोल्ड की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद उसमें कुछ अपना मार्जिन रखने के बाद वो आपको उतना रुपया का लोन दे देंगे, जिससे कि आपको समय के अनुसार उन्हें चुका करके अपने गोल्ड को आप वापस ले सकते हैं। ये अच्छी सुविधा है गोल्ड के साथ। चिट फंड में, ये आज के डेट में गाँव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही बकवास, बहुत ही गंदा धोखेबाज चीज़ें हैं ये चिट फंड में पैसा रखना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं होता है। और क्या तुरंत आप चाहते हैं तो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या आय हो सकती है कम, अरे हम तो कहते हैं इसमें कोई आय नहीं होती, क्योंकि अक्सर का देखा गया है चिट फंड वाले पैसा लेके भाग जाते हैं। और ब्याज की दर इसमें उच्च होती है, वो आपको ज़्यादा ब्याज का लालच देते हैं और आप अपना पैसा लगा देते हैं, बाद में पता चला कि न मूल मिला न ही ब्याज मिला। और लेन देन का कोई रिकॉर्ड होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऋण प्राप्त करने का कोई अवसर होता है, हाँ यदि आपने लिया उससे तो वो आपको अधिक लागत पर देगा। स्वयं सहायता समूह, ये आज की डेट का सबसे अच्छा, बैंक, डाकघर और समूह में पैसा रखना ठीक है। जैसे कि आप यदि स्वयं सहायता समूह के मेंबर हैं, आपका जो भी पैसा आपने क्या जमा किया है तो कुछ सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि समूह का जो भी पैसा होता है वो बैंक खाते में ही जमा किया जाता है, तो बिल्कुल सुरक्षा है आपके पैसे की। और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध, बिल्कुल, आप अपने गांव के समूह सखी के माध्यम से और बीसी सखी के माध्यम से आप अपने समूह के पैसा निकाल सकते हैं, या आपके अपने व्यक्तिगत खाते में पैसा है तो आप अपने बीसी सखी के माध्यम से निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। और उससे कोई आय है, बिल्कुल,
आप उसे आप अपने जो भी पैसा आपने समूह में रखा है उस पैसे को आपको ब्याज ही मिलेगा, तो ब्याज की आय हो सकती है और आय, और इसमें कोई ब्याज है? बिल्कुल ब्याज है। और इसमें कोई लेन देन का रिकॉर्ड है? हाँ, समूह के पास 3 रजिस्टर बनाए जाते हैं, उन 3 रजिस्टर में आपके मीटिंग मीटिंग का भी और आपके बचत का भी और आपके लोन का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, अच्छे से मेंटेन किया जाता है, तो आपका रिकॉर्ड रहता सुरक्षित है। क्या ऋण प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप अपने स्वयं सहायता समूह से अपने लिए आप कम लोन ब्याज पर आप लोन ले सकते हैं और समय पर उसे चुका करके आप अपने लाभ को ले सकते हैं। डाकघर में आपकी सुरक्षा है, बिल्कुल सुरक्षा है। आवश्यकता पर मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। आपको कोई आय है इससे? हाँ हाँ आय है। ब्याज की दर अवधि के अनुसार, मतलब आप जितने समय के लिए रखेंगे ब्याज उससे निर्धारित होता है पोस्ट ऑफिस में, अच्छा है लेकिन फिर भी। और कोई लेन देन का रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, अच्छी रिकॉर्ड होती है उनके पास भी। और कोई जो है ऋण प्राप्त कर सकते हैं? हाँ आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं उनके पास भी। बैंक, ये देखिए इसे ब्लू कलर में बनाया गया है और जैसा कि बनाया गया है वैसा इसका काम भी है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इसका। और आप इसे, कोई सुरक्षा है आपके पैसे का बैंक में जो पैसा आपने जमा किया है? बिल्कुल जी है, 100% सुरक्षा है। और आवश्यकता को सर आपके मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा आपको, जब चाहिए आप अपने बचत खाते से निकाल सकते हैं पैसे। और बचत खाते निकालने के लिए आपको अब तो बैंक में भी नहीं जाना है, आप अपने गांव के बीसी सखी से संपर्क करिए और एक बार में जाइए उससे, तो 4,000, 5,000, 10,000 तक की जो भी रकम आप चाहते हैं निकाल लीजिए। हाँ यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि आप बीसी सखी को कभी भी फोर्स नहीं करना है कि आप हमें 10,000 रुपया से ज़्यादा निकाल के दीजिए, क्योंकि उनके मशीन में इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा की रकम निकालने का अलाउ नहीं है। आगे चलते हैं, क्या आय है? हाँ जी आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो आपको बिल्कुल उसमें आय मिलेगी, ब्याज भी मिलेगा। और ब्याज दर कितना? 4% या अब तो 3.5% हो गई है। और FD के लिए आपको अवधि के अनुसार अलग अलग ब्याज मिलते हैं, तो आपका पैसा यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है, लेन देन का प्रमाण भी है आपका। और क्या आपको लोन मिलेगा? बिल्कुल लोन आपको बैंक से अच्छी लोन मिल जाती है। तो देखिए ये चार्ट के बारे में बातें थी जो कि मेरे को, मुझे लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है, आपको एक एक करके अपने सभी श्रोतागणों को बताना चाहिए कि कहाँ पर आपका पैसा कितना सुरक्षित है और क्यों सुरक्षित है, बैंक क्यों अच्छे हैं, डाकघर क्यों अच्छे हैं, स्वयं सहायता समूह क्यों अच्छे हैं, बाकी सब चीज़ें क्यों बेकार हैं। तो आपको समझना चाहिए और इससे परिणाम यही मिलता है कि लोगों को पता चलता है कि स्वयं सहायता समूह और बैंक में पैसा रखना अपनी बचत को निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मुख्य संदेश यही है कि बचत को बैंकों में, स्वयं सहायता समूहों में रखना सुरक्षित है। ये और दूसरा पॉइंट भी है, इसे आय के बड़े बड़े वादे करने वाले लोगों का या प्राइवेट संस्थानों में पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पैसा के साथ साथ मैंने मूल ब्याज दोनों चला जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चार्ट नंबर जो है पोस्टर हमारे 7 पर बात करते हैं। इसमें 2 पॉइंट में बताया गया है, क और ख में बारे बताया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसा यदि आपने कहाँ बचाएं और यहाँ कैसे बचाएं, 2 पार्ट में बताया गया है पूरे सर्किल में। यदि आपने अपने घर के राशन के डब्बों में रखा, बोरे में रखा, या कहीं आपने किसी जगह छुपा के रखा गद्दों में, और गलती से किसी चोर को भनक लग गई तो सारा साफ हो सकता है। और कई बार देखा गया है कि घर के ही व्यक्ति, बच्चे, मर्द, औरतें या कोई भी, वो निकाल करके उसे खर्च कर लेते हैं या चोरी कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसी भी नौबत आई है कि यदि आपने किसी बोरे में पैसा रखा और उसे किसान ने या फिर आपके घर ने उसे बेच दिया तो बोरे अनाज के साथ साथ पैसा भी चला गया, या फिर किसी ने सोफे में छुपा के रखा और वो भूल गए और वो सोफा बेचा, सोफा के साथ पैसा भी चला गया, ऐसा सुनने में आया था। और देखिए यदि आपने घर में रखा है तो इन महाशय का, यानी चोर महाशय का सबसे ज़्यादा खतरा है। और ये दूसरा है ये चूहे महाशय, ये भी आपके पैसे को छोड़ने वाले हैं नहीं, यदि इन्हें भनक लग गई कि ये अनसेफ जगह पर है तो ये उसे कुतर करके बिल्कुल इतना उसको इतने टुकड़े में कर देंगे कि शायद उसे कोई जोड़ ना पाए। और दूसरा जो है ये आपके लिए ही संकट बनेगा। आपने देखा होगा कई बार कि कई बार ATM में घुस गए या फिर कहीं और जा कर के चूहों ने बिल्कुल तांडव मचाया और पूरे के पूरे गड्डियों के सत्यानाश कर दिया। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत की जो कमाई है ना
वो खोए नहीं, हमेशा बैंक के बचत खाते में जमा करें। ये पिक्चर भी आरबीआई के माध्यम से लिया गया है। अगला है ख, स्वयं सहायता समूहों में और बैंकों में बचत करें। यदि आपने छोटी छोटी बचत करनी है तो आपके लिए सबसे पहला जो है आपका समूह होना चाहिए। आप अपने समूह में जो भी आपने मीटिंग में निर्धारित की गई है 100-200 रुपए जमा करने की, उसे आप नियमित रूप से जमा करते रहिए, समूह की मीटिंग करते रहिए, मीटिंग के पंचसूत्र का भी पालन करते रहिए। और यदि आपको लगता है कि समूह से ज़्यादा हो रहा है पैसा, अच्छी बात है, आप इसे बैंक में जमा कराइए और जब चाहिए तब आपको बैंक के माध्यम से मिल जाती है। और हम आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं और उससे क्या लाभ है, कौन सा ब्याज वाला स्कीम कितना लाभदायक है, साधारण अच्छा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा है। आप जान जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको आपके मूल पर और जो ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि ब्याज से आप बहुत जल्दी अमीर भी हो सकते हैं। और देखिए पोस्टर के माध्यम से एक व्यक्ति जो है जो 1,000 रुपये का निवेश करता है उस और उसे 2,000 रुपये मिलते हैं और साधारण ब्याज के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि के बाद 1 वर्ष मूल और 1 वर्ष 1,000 रुपये मूलधन और 1,000 रुपये ब्याज मिलता है उसे। तो और वहीं दूसरा व्यक्ति जो चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है में जमा करता है पैसा, उसे 1,000 रुपये निवेश करता है तो उसे 10 वर्ष में 2,593 रुपये यानी 1,000 रुपया मूल का और 1,593 रुपये ब्याज के मिलते हैं। अब आप देखिए कि मूल से ज़्यादा तो ब्याज मिला। ये तो एग्जाम्पल था, यदि आपने एक जगह पर 1,00,000 रुपये बचत किया होते तो आपको यही रकम आपको 1,500 रुपये नहीं 1,50,000 के आसपास हो जाती। तो इसी तरह से हम इसके बीच का अंतर के बारे में समझेंगे और अपने सभी श्रोतागणों को और अपने सभी लाभार्थियों को, समूह के लोगों को बताएंगे कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के तरफ जाना चाहिए और समझना चाहिए। यदि आप कहीं से कर्ज ले रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का लोन होगा तो आपको ब्याज ज़्यादा लगेगा, जल्दी से समय से भर देना है। और यदि आपने बचत किया है, बचत साधारण है तो आपको उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा और चक्रवृद्धि है तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ा ही व्यक्ति क और व्यक्ति ख के बारे में अंतर समझाया गया है। देखिए एक व्यक्ति 1 वर्ष के अंतर में यदि 1,000 रुपया उसने मूलधन जमा किया और उसे 1 साल में कितना ब्याज मिला, 100 रुपये यानी 1,100 रुपये। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज वाले व्यक्ति को भी 1,000 पर 100 रुपये का ब्याज मिला यानी 1,100 रुपये। ये पहले साल का है ना। दूसरे साल के अंत में इसको देखिए, व्यक्ति क को 1,000 रुपये जमा किया, अब उसको 1,000 नहीं दूसरे साल में यानी 1,200 रुपये मिले, यानी 100 ये 100 ये जुड़ता गया उसका तो ये उसको 1,200 रुपये मिले। अगला इसी व्यक्ति को देखिए ख को, इसे 1,110 रुपये का ब्याज मिला, अब इसके हो गए 1,210 रुपये। देखिए दूसरे साल में ही चक्रवृद्धि ब्याज ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए कहाँ 1,200 और कहाँ 1,210 रुपये। अभी आपको कम अंतर लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तीसरे साल के अंत में देखिए 1,331 रुपये, चौथे साल के अंत में देखिए 1,464 रुपये, पांचवें साल में 1,500, यहाँ 1,600 रुपये हो गए यानी 100 रुपये को भी क्रॉस कर गया एक्स्ट्रा, और छठवें साल में 1,600, यहाँ 1,771 हो गया, सातवें साल में 1,700 रुपये और यहाँ पर 1,900 हो गया, और आठवें साल में 1,800 और यहाँ 2,100 से प्लस हो गया, नौवें साल में 1,900 और यहाँ पर 2,357 रुपये यानी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और दसवें साल के अंत में इनको मिले 2,000 रुपये और इनको मिले 2,500 रुपये। अब आप ही बताइए कौन प्रॉफिट में रहा, व्यक्ति क या ख? तो आपका आंसर व्यक्ति ख होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने व्यक्ति क से 593 रुपये अधिक कमाए उसी समय में। अब ये एक एग्जाम्पल था जो कि 1,000 रुपये का एग्जाम्पल था, और इसमें जो है आप देखेंगे कि यदि आपने ज़्यादा बचत किया तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं पोस्टर 8 की तरफ, यानी समझदारी से उधार लेना। देखिए कर्ज लेना
अच्छी बात है, परंतु ये हमेशा उत्पादक उद्देश्य होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपने बैंक से 1 लाख रुपया उधार लिया है तो आपको इतना कमाना चाहिए कि वो 1 लाख रुपया मूल भी चुकाना है और जितनी लंबी अवधि तक आपका लोन चलता है उस अवधि तक का उसका कंपाउंडिंग ब्याज भी चुकाना है और उतने अवधि तक आपको भी प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि आपने मान लीजिए किसी बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा दिया और आपको लाभ ना मिला, खाली आपने मूल और ब्याज चुका दिया बैंक का, तो इसमें क्या आपकी बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। तो यही चीजें हमें समझनी है कि कैसे हम ऋण का समझदारी से उपयोग करें, है ना। वे उत्पादक और उत्पादक अनुत्पादक उद्देश्य के लिए ऋणों के बीच में अंतर कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप प्रतिभागी महिलाएं अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण लेने से बचना चाहिए, है ना। देखिए हमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उत्पादक, एक होता है गैर उत्पादक। यानी मतलब आप पैसे को ऐसे जगह लगाइए जहां पैसे से पैसा बनता है, यानी पैसा कमा के देता है, या फिर अनुत्पादक ऐसे हैं कि जहां पर कि आपने पैसे लगाए और वो आपको कुछ कमा के तो नहीं दे रहा है, उल्टा हो सकता है कि आपकी बचत में से ही वो पैसा ले लिया। तो इसी को हम इसमें जानते हैं और समझते हैं। देखिए पोस्टर 8 में उधार का उद्देश्य, ये बड़ा ही परिस्थिति 1 और परिस्थिति 2 ये बड़ा ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और मुझे भी काफी पसंद आता है कि देखिए ये उत्पादक है। यदि आपने लोन से गाय या भैंस लिया तो आप इससे कमाएंगे, धन कमाएंगे, तो आप अपना ऋण का भुगतान भी करेंगे और इसमें आप अपना बचत भी करेंगे और छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। फिर बचत का पैसा आप अपने SHG में या बैंकों में जमा भी कर सकते हैं और अधिक कमाएंगे तो अधिक लाभ होगा आपको। यानी मतलब आपने एक भैंस खरीद करके यानी एक गाय खरीद करके आप इस तरह का लाभ ले रहे हैं। सोचिए कि आप इससे थोड़ा सा और अच्छा काम करते तो थोड़ा और अच्छी आमदनी मिलती, मे भी हो सकता है। आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही लोन लें। अगला है परिस्थिति जो है 2 है अनुत्पादक। देखिए इन्होंने लोन किस लिए लिया, इनके दिमाग में था कि बच्चे थोड़े से मेले देख लेंगे या एक त्योहार आ रहा है, थोड़ा साहूकार के पास से उधार ले लेते तो हम बच्चों को अच्छा खिला पिला देंगे, अच्छा सा कर देंगे। आप जरूर अच्छा कर पाएंगे, परंतु आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने लोन लेने के बाद ब्याज यानी कमा नहीं रहे हैं, या आपने पैसा तो जो आपने लिया वो मेले में या फिर त्योहारों में खर्च कर दिया, उससे तो कोई आप कमाए नहीं, उल्टा उस साहूकार को एक महंगे वाला ब्याज आप दे रहे हैं। अब आप ऋण का भुगतान करने में असक्षम है क्योंकि आमदनी तो आपने कमाई नहीं उस पैसे से। अब आप वही है कि का बरसा कृषि सुखाने या चिड़िया चुग गई खेत वाली बात, जो पैसा खर्च हो गया तो कहाँ से आएगी। और अधिक उधार, देखिए आप अब फिर इसका उधार चुकाने के लिए आप किसी और से उधार लेंगे, फिर अब आप संपत्तियों को धीरे धीरे गिरवी रखना या बेचना शुरू करेंगे और ऋण के जाल में फंस जाएंगे और गरीबी के चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप अपने जो भी श्रोतागण हैं या जो भी SHG मेंबर हैं, सभी को समझाइए कि परिस्थिति 1 और परिस्थिति 2 में क्या डिफरेंस है, क्या बढ़िया कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए। ऐसे सबको समझदारी तो है, बट कोई लोग ना चाहते हुए भी फंस जाता है इन चंगुलों में। तो आप ही को बताना है कि कोई इसमें फंसे नहीं किसी भी प्रकार से। और अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्टर नंबर 9 की तरफ। उधार जो है समझदारी से लेने का ये पार्ट 2 है, पहला पार्ट 1 अब पार्ट 2 है। अब आप देखिए कि उद्देश्य क्या है कि प्राइवेट साहूकारों और बैंकों के बीच ऋण पर ब्याज के दरों में अंतर की जागरूक के बारे में जागरूक बनना है, है ना। देखिए पोस्टर 9 में दिखाया गया है कि साहूकार से ब्याज लेंगे लोन लेंगे तो क्या ब्याज का अंतर पड़ेगा, और यदि बैंकों से लेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, या समूह से लेंगे तो क्या अनुभव होता है, इन्हीं चीजों के बारे में बताई गई है। तो उन्हें प्राइवेट साहूकारों की बुराइयां और स्वयं सहायता समूह या बैंकों की अच्छाइयों के बारे में ज्ञान हो जाता है, है ना। मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वयं सहायता समूहों या ग्रामीण गरीबों को साहूकारों से कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए या उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वे अधिक दरों पर ब्याज लगाते हैं, फ्लैट रेट, स्पष्ट अस्पष्ट शर्तें, मतलब उनकी कोई भी शर्तें जो भी होती हैं वो अस्पष्ट होती हैं,
वो समय के साथ वो बदल देते हैं और अपनी बातों में आपको घुमा लेते हैं, फंसा लेते हैं और अंत में कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं इस तरह से। जबकि बैंक और समूह जो भी हैं वो पारदर्शी होते हैं और इनके कोई खास शर्तें नहीं होती और कम ब्याज की दरें भी जो है ना, जो भी लोन होता है ब्याज की कम दर होती है और जो भी आपने बचत किया है वो आपके संपत्ति और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ही होती है। आगे बढ़ते हैं, पोस्टर नंबर 9 को अध्ययन करते हैं हम, है ना। देखिए पोस्टर नंबर 9 ये जो है गलत उधार बनाम बुद्धिमत्ता पूर्ण उधार के बारे में बताया गया है। देखिए ये साहूकार हैं और ये बैंक हैं। यदि आप साहूकार के पास जाते हैं, अपना कुछ भी जो है गिरवी रखते हैं, कहते हैं साहब ये लोन चाहिए, उधार चाहिए, तो वो कोई करार नहीं करते, वो आपको ठीक है जी लाओ रख दो, दे दो, ये ले लो, चले जाओ। आप अब आप प्रतिमाह उनको ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज भरते जाते हैं। बाद में एक दिन आपकी संपत्ति, यानी ये गाय भी एक तो एग्जाम्पल है, कई बार तो आपकी संपत्ति भी, जमीन भी, घर भी तक चले जाते हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यदि आपने यहाँ बैंकों से लिखित में करार लिया है तो यहाँ पर प्रतिवर्ष एक निश्चित जो पहले से बैंक ने तय किए हैं उससे एक रुपया भी फालतू नहीं लिया जाता, सिवाय सर्विस चार्जेस के या फिर जो है या फिर अलग जो भी उनके छोटे मोटे चार्ज होंगे वहीं। अदरवाइज एक साहूकार से तो बहुत 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 कम ही ब्याज लिया जाता है बैंकों के माध्यम से। और यहाँ पर आपने जो पैसे उधार में लिए थे, जब कम ब्याज देने की वजह से आप बहुत सारा पैसा बचा पाए और उन्हीं पैसों से आपने संपत्तियां, देखिए इनके पास एक थी वो भी चली गई, इनके पास एक भी नहीं था, आज इनके पास 3-4 गायें हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने श्रोतागणों को, अपने समूह के मेंबरों को आप बताइए, समझाइए कि पैसे कहाँ से लें, किस तरह से खर्च करें, है ना। हम चलते हैं पोस्टर नंबर 10 की तरफ, समझदारी से उधार लेना पार्ट 3 की तरफ। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य इसमें यही है कि एक तरह से ये आईना दिखाना है, एक आईना दिखाना है, आईना की तरफ से, मतलब कि आप ऐसा कभी मत करिए। उन्हें दिखाना है कि कैसे गैर जिम्मेदारी से लिया गया कर्ज एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, है ना। इसमें देखिए चरण में भी दिया गया है, उन्हें पोस्टर दिखाएं, भारी कर्ज के बोझ से दबे व्यक्ति को बताएं और उसको कोई स्थिति को जो है ना, जो आपके एग्जाम्पल के रूप में कोई है तो उसको बताएं, दिखाएं। और प्रतिभागियों से पूछें कि वे गांव में कहां से कर्ज लेते हैं, जब वे ऋण लेते हैं तो उस समय उन्हें क्या समस्याएं आती हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो उन्हें बेझक बोलने दीजिए या सुनने दीजिए, समझिए, मतलब जिससे आप समझा रहे हैं सब कुछ उसको बोलने दीजिए, है ना। परिणाम यही है कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से लिए गए विभिन्न ऋणों के कारण आने वाली समस्याओं का ज्ञान हो जाएगा कि यदि आपने यहाँ से लिया है लोन तो आपको ये समस्या हो सकती है, है ना। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया गया है और उसमें कर्ज के बोझ ने किया बेघर, ये कितनी ही दयनीय स्थिति होगी उस परिवार के जिसके कर्ज ने उनका घर ही छीन लिया हो, है ना। देखिए छोटी सी कहानी मैं पढ़ता हूँ। सीता अपने पति राम के साथ एक बहुत ही आरामदायक जीवन बिता रही थी, जो दिल्ली में नौकरी करता था और प्रत्येक महीने वो 5,000 रुपया घर भेजता था। वह अच्छी तरह से अपने पुराने घर के ऋण की किस्त चुका रही थी और घर के सभी खर्च पूरा कर रही थी और प्रतिमाह आवर्ती जमा, मतलब RD बोलते हैं उसको, रिकरिंग डिपॉजिट में 1,000 रुपये बचत भी कर रही थी। तब उसके पड़ोसी ने उसको भड़काना शुरू किया और दिखावा करने के लिए उसे उसकाया, जैसे उनका घर पुराने प्रकार का है और उनकी प्रतिष्ठा और गांव में गांव गौरव के अनुकूल नहीं है और उनके एक साहूकार से ऋण लेकर घर को बड़ा करने का निर्णय लिया। इस बीच अचानक दिल की बीमारी के कारण राम को नौकरी छोड़ करके घर आना पड़ा, कर्ज का बोझ बढ़ गया। साहूकार ने सीता और राम को उनका घर और संपत्ति बेचकर उनका कर्ज लौटाने के लिए डराया। परिवार का न केवल बड़ा घर खो गया बल्कि पैतृक जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी उन्हें बेचना पड़ा और एक छोटे से किराए के घर में रहना पड़ा। यह कहानी केवल सीता की नहीं बल्कि हमारे समस्त गांव के गरीब परिवारों की है।
कृपया उधार लेते समय बहुत 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 सावधानी रखें और अपने ग्रामीणों को बताएं कि कहां से उचित लोन आपको मिल सकता है, वो भी जरूरत पड़ा उत्पादक के पर्पस से, गैर उत्पादक नहीं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि अनावश्यक उधार से बचना चाहिए और व्यक्ति को स्वयं को कर्ज के जाल में नहीं फंसाना चाहिए। साहूकारों से उधार लेने से बचें और उच्च या उच्च दरों से लोन ना लें, ठीक है। विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न उद्देश्यों से लोन लेने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पोस्टर नंबर 10 को देखते हैं, इसमें क्या समझाया गया है। बाप रे, देखिए पोस्टर नंबर 10 का कर्ज का बोझ, एक आदमी है, अपने ऋण को व्यवस्थित करें अन्यथा कर्ज आपको बर्बाद कर देगा। ये भी RBI के सौजन्य से ही लिया गया है और आप देखेंगे कि एक आदमी के ऊपर कर्ज 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 कितना सारा कर्ज है। दोस्त का कर्ज है, मुखिया का कर्ज है, साहूकार का कर्ज है, तो मतलब इतना कर्ज ले करके एक आदमी कैसे झेल सकता है, उसे कितना कमाना पड़ेगा कि वो सबके कर्जों को जो है कर्जों का बोझ ढो सके, जबकि घर की भी अपनी जरूरतें हैं। तो इसीलिए आपको कर्ज जो है ना एक सही और सुसंगठित तरीके से ही एक प्लानिंग के साथ ही लेना चाहिए कि यदि आपने कर्ज लिया तो हम इससे इतना ये काम करेंगे, हम ये कमाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्टर नंबर 11 की तरफ, और यहाँ पर है परिपक्वता या समझदारी से उधार लेना। ये मतलब समझदारी उधार लेने वाला का चौथा पार्ट है। अभी हम उधार में ही चल रहे हैं और देखेंगे पोस्टर 11 के बारे में, अच्छा उधार कहाँ से लें। अब आपको जैसे कि आपने अपने अभ्यर्थियों को बता दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो अब वो समझेंगे, पूछेंगे आपसे कि अच्छा उधार कहाँ से लें। तो इसमें देखिए पोस्टर नंबर उन्हें 11 दिखाइए और उन्हें समझाइए कि साहूकारें गिरवी रखकर उधार देने वालों से उधार के परिणाम स्वरूप क्या क्या होते हैं। उनकी ब्याज की दरें उच्च होती हैं, भारी बोझ होता है, कर्ज का जाल में फंस सकते हैं, प्रॉपर्टी या संपत्ति जो है आपका वो जा सकता है, इज्जत और सम्मान, भाई जिसका घर चला जाए, जिसका कोई भी सामान संपत्ति कुर्क कर लिया जाए तो उसका कोई सम्मान इज्जत नहीं जाएगा, बिल्कुल जाता है। समाज में प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो जाता है, जिसे कि आप कहते हैं कि हमारी नाक कट गई। और दूसरा है स्वयं सहायता समूह से या बैंकों से उधार लेने के परिणाम, देखिए उचित एवं कम दर पर ब्याज मिलेगा, पहली बात तो यही है, और उचित दस्तावेज होंगे उनके, उनके कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर वो सिग्नेचर कराते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि जो पैसा आपने उनसे लिया है वो समय से ब्याज सहित और मूल सहित जमा कर दीजिए। हम आपसे यानी बैंक आपसे या समूह आपसे फालतू पैसा कभी नहीं मांगता है। और संपत्तियों का निर्माण, देखिए अभी आप बैंकों से कर्ज ले करके छोटा सा ब्याज चुका करके आप अपनी किसी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, या ऋण या पुनर्भुगतान के लिए दिन निर्देश और सहायता, यानी मतलब आप अपने जो पूर्व में कोई कहीं से जो है आपने लोन लिया है तो उसे एक पूर्ण करने के चुक्ति करने के लिए आपको बैंक सहायता भी देती है। और वित्तीय सुधार, आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में एक अच्छा इमेज भी बन जाता है। परिणाम स्वरूप यही होता है इसमें कि प्रतिभागियों को एहसास होता है कि उन्हें स्वयं सहायता समूहों बैंकों से ऋण लेना चाहिए और साहूकारों से बचना चाहिए। मुख्य संदेश इसका यही है कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को केवल बैंकों या स्वयं सहायता समूहों से उधार लेना चाहिए, किसी भी प्राइवेट स्रोतों से नहीं। बस यही बात है समझदारी से उधार लेना का चैप्टर 5वां। और अपने अध्याय जो है अपने ऋण की लागत को जाने और ऋणों पर ब्याज और फ्लैट होते हुए कम ब्याजों पर की विधियां हैं। आप अपने जो भी ऋणदाताएं, जो भी आपके समूह के मेंबर हैं या फिर जो भी आपके श्रोता हैं, उन्हें ऋणदाता कंपनियों द्वारा या फिर बैंकों द्वारा या फिर साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले ब्याजों पर की गणना करने का अभ्यास करवाना है और उन्हें दिखाना है कि जो फ्लैट ब्याजें होती हैं उस पर कैसे कम होता है, क्या होता है। आगे देखेंगे हम लोग उदाहरण के रूप में उसका पार्ट पोस्टर देखेंगे। और परिणाम इसका यही होगा
कि प्रतिभागियों को एहसास हो जाता है कि कम होते हुए शेष विधि से उन्हें कम ब्याज देना होगा, इसलिए वे पुष्टि करेंगे कि कम होते हुए शेष विधि से लिया गया ऋण सस्ता होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, मुख्य संदेश इसका यही मिलेगा कि ब्याज लगाने की दो विधियां होती हैं, फ्लैट और कम होता हुआ ब्याज। फ्लैट मतलब सीधा एक साथ लगेगा पूरा का पूरा ब्याज, और कम होता हुआ ब्याज ये ज़्यादा फायदे का होता है। और ब्याज की विधियां के बारे में, मूलधन और पूर्ण पर पूर्ण अवधि के लिए ब्याज लेना होता है, इससे बाकी आगे बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन नोट करने के है कि दोनों के बीच 40-50% का अंतर होता है। सोचिए कितना डिफरेंस होता है ब्याज में। और देखिए यहाँ पर पोस्टर दिया गया है, बनाया गया है, और ऋणों पर ब्याज है ना। देखिए एक उदाहरण के लिए है, ये ब्याज की फ्लैट दर के लिए है। और जैसा कि मूलधन क्या है, प्रथम वर्ष में 2000 रुपये है, तो ब्याज कितना लगेगा, 1000 रुपये लग रहा है। दूसरा वर्ष में भी सेम है, 2000 रुपये मूल, तो 1000 रुपया ब्याज में। तो मतलब ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाएगा, यानी पांचवें साल में आप देखेंगे कि 2000 × 5 पाँच साल का, और प्लस 5000 रुपये, यानी 1000 रुपया प्लस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और तो आपको देखते हैं कि आपको कुल 15000 रुपये जमा करना पड़ता है। जबकि कम होती हुई ब्याज दर की यदि आप तुलना करेंगे तो इसमें आपको पहले साल में जो मूल है 2000 है और ब्याज 1000 रुपये है, तो दूसरे साल में मूल तो वही रहेगा लेकिन ब्याज 800 रुपये हो जाएगा, फिर 600 रुपये हो जाएगा, फिर 400 रुपये हो जाएगा, फिर 200 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ब्याज है वो घटता रहेगा, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें मिल जाती हैं। और आपका देखते हैं कि कुल ब्याज आपने अब मूल सहित उसमें कितना रुपये जमा किया आपने, 13000 रुपये, यानी आपके कुल 2000 रुपये का बचत हो गया आपके कुल जमा राशि पर। तो इस प्रकार से मूल तो वही रहता है पर तो ब्याज कम होता जाता है, तो आपको हमेशा कम होती हुई ब्याज दर का लोन लेना चाहिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो और इस पैसे से आप बचत करके आप अपने किसी अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, पोस्टर 12 पर बात करेंगे, इसमें बीमा और पेंशन का पार्ट 1 बताया गया है। इसमें देखिए उद्देश्य इसका यही है कि जीवन के व्यक्ति में दुर्भाग्यशाली घटनाओं के वित्तीय प्रभावों और इसके लिए योजना बनाने की जरूरत के बारे में जागरूक करना है। मतलब लोगों को बीमा और पेंशन के बारे में जागरूक करना है कि बीमा से क्या लाभ होते हैं और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और पेंशन से कैसे कैसे लाभ हैं और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बारे में इसमें कुछ पोस्टर्स दिखाए गए हैं, पोस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो जीवन की घटनाएं होती हैं उनके बारे में साझा करेंगे, और प्रतिभागियों से उनसे बातें करेंगे, जैसे कि चिकित्सा बीमा के ऊपर, दुर्घटना बीमा के ऊपर, फसल बीमा के ऊपर, जीवन बीमा के ऊपर, मवेशियों के नहीं मतलब लाइव स्टॉक बोलते हैं उसको, और या फिर गाय भैंस जो भी होते हैं ना उसके ऊपर बीमा की ओर बात करेंगे। फिर उन्हें विभिन्न प्रकार के बीमा के बारे में बताएंगे भी, स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, लाइफ एंड नॉन लाइफ एंड जनरल बीमा क्या होता है, इस तरह की बातें के बारे में बात करेंगे। फिर व्याख्या करेंगे जैसे कि पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी, बीमित पॉलिसी राशि, प्रीमियम क्या होती है, राशि, पॉलिसी की अवधि, रिन्यूअल, दावा, बंदोबस्त, नॉमिनेशन इत्यादि के बारे में देखा जाता है। इसमें परिणाम क्या होगा, इसमें प्रतिभागी को जो है आपातकाल के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को जान जाते हैं, है ना। इसमें मुख्य संदेश आपको यही मिलने वाला है, दुखद घटनाएं जैसे कि बीमारी, दुर्घटनाएं, मृत्यु, गरीब और अमीर दोनों के साथ घट सकती हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं का वित्तीय प्रभाव गरीब लोगों पर मुख्य अधिकतम ज़्यादा पड़ता है। अमीर तो इस तरह की घटनाओं को झेल जाते हैं, परंतु गरीबों के साथ अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। कुछ अवसरों पर अप्रत्याशित और दुर्भाग्यशाली घटनाएं जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं। तो इसलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरह के कैसे क्या क्या चार्ट में दायक बताया गया है। देखिए पोस्टर 12 में हम देख रहे हैं कि ऊपर एक छाता है और नीचे अनेक तरह की घटनाएं हैं। तो यदि आपके साथ छाता रहेगा तो घटनाएं का असर कम होगा, और छाता नहीं रहेगा तो घटनाओं का असर ज़्यादा व्यापक होगा। जैसे कि देखिए असामयिक मृत्यु के लिए जीवन बीमा,
यदि किसी की समय असमय पर मृत्यु हो जाती है और खुदा ना खास्ते वो खुद ही कमाने वाला होता है, घर का मुखिया होता है, तो सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। तो इसी तरह से यदि उन्होंने अपने जीवन के दौरान कोई बीमा अच्छा से लिया होता तो आज शायद परिवार की, देखिए मरने वाले की कभी भरपाई नहीं की जा सकती है, परंतु उनके जाने के बाद उनके जो वित्तीय हालात है परिवार का, बच्चों का परवरिश, पत्नी का गुजारा, है ना, घर को चलाना, बूढ़े माँ बाप का देख रेख करना, ये सारा का सारा झेला जा सकता है कुछ हद तक। आगे है दुर्घटनाओं में होने वाली हानि का बीमा, जैसे कोई एक्सीडेंटल हो गया, चोट लग गई, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कैसे अपने आप को बचाव करेंगे, इसके लिए आपका बीमा होना अनिवार्य होता है। बीमारी के विरुद्ध स्वास्थ्य बीमा, यदि कोई अचानक बीमारी आ गई जैसे कैंसर हो गया या फिर अचानक से शुगर डायबिटीज समथिंग बीमारियाँ, या फिर आपको हार्ट संबंधित बीमारियाँ हो गई या फिर कोई लाइलाज बीमारी हो गई, तो उसके लिए आप कैसे अपने आप को बचाव करेंगे, इसके लिए आपका स्वास्थ्य बीमा भी होना अनिवार्य होता है। आगे है लाइव स्टॉक की सुरक्षा के लिए मवेशी बीमा। देखिए मवेशी हमारे तरह वो भी एक जीवन है, और देखा जाए तो उनकी कीमत हम कीमत रुपए में करते हैं तो काफ़ी महंगे भी आज के डेट में हो रहे हैं। ये 80 से 90 हज़ार रुपये की एक भैंस आती है, और अचानक से किसी बीमारी में वो अपने आप को बता नहीं पाती क्योंकि वो तो बेजुबान जानवर है, और कोई बीमारी हो गई बिना बताया, बिना आपने जांच किया, देखा नहीं, तब तक वो चली गई। अब ऐसे में परिवार को बहुत ही भयंकर हानि हो जाती है कि 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए आपको बहुत नुकसान हो जाता है लाइव स्टॉक का, इसलिए उनका भी बीमा करा कर रखना चाहिए। और फसलों की हानि के लिए बीमा, देखिए हमारे देश में मुख्य रूप से नुकसान फसलों को बाढ़ से ही होता है और कभी कभी सूखे से भी हो जाती है, तो इन कंडीशनों के लिए, और हाँ आग से भी, जानवर सूख वजह से भी, ओलावृष्टि के वजह से भी कभी कभी नुकसान हो जाए करते हैं, तो इन कंडीशनों का जो फसल बीमा होता है आपको अपने क्षेत्र में हो रहे फसल बीमा कंपनी को संपर्क करना चाहिए और उनसे बीमा कराना चाहिए और अपने फसलों की सुरक्षा लेनी चाहिए। देखिए संपत्ति बीमा, देखिए आप जानते हैं कि घर बनाना हर किसी का सपना होता है, और जो है एक बार घर बनाने के लिए आपको अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई उसमें लगानी होती है, और लगाने के बाद यदि अचानक से घर पर किसी तरह का कोई खतरा हो गया, घर गिर गया या फिर किन्हीं और घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टी यानी एसेट्स का बीमा जरूर कर लेना चाहिए। देखिए बीमा के माध्यम से आपकी खुशी, आपकी जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है ना, और बीमा हमेशा जो है एक आप जानकार एजेंट के माध्यम से ही या खुद उस संस्था में जा कर के ही कराएं, कभी भी बीमा कराने के लिए किसी भी गैर आधिकारिक दलाल से संपर्क ना करें, ये सलाह भी हमारी हो सकती है और आपके जानकारी भी हो सकती है, और दूसरों को भी बताएं कि कोई भी किसी अनअधिकृत बीमा एजेंट से संपर्क ना करें, और यदि ज़्यादा डाउट हो तो सीधे थोड़ा सा मेहनत करके उस संस्था में चले जाएं, उस संस्था के अधिकारी से बात करें और अपने को बीमा से सुरक्षित करें। अब हम बात करेंगे पोस्टर नंबर 13 की, जो कि बीमा पेंशन का पार्ट 2 है। इसमें देखेंगे कि बीमा के बारे में लोगों को प्रीमियम के बारे में अवगत कराएंगे, और इसमें हम चित्रों के माध्यम से समझाएंगे, है ना, और प्रतिभागी जो है उसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ के बारे में जानेंगे और योजनाओं में कैसे शामिल हो सकते हैं और इससे किस तरह से लाभ मिल सकता है ना। देखिए मुख्य संदेश इसमें यही है कि जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है ये गरीबों के लिए एक बहुत ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है गरीबों का, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और इसमें कि आप जानते हैं कि यदि अचानक से किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसमें अब उसके नामनी को 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। इसका प्रीमियम 436 रुपए हो गया है, जो कि पहले 330 रुपए का था, और इसमें किसी भी कारण से मृत्यु को मिलता है, तो बशर्ते दो शर्त हैं, उम्र 18 से 50 वर्ष के अंदर होना चाहिए, और इसमें जो है बीमा करने के 45 दिन के बाद यदि मृत्यु होती है तभी बीमा का लाभ मिलता है। अगला है PMSBY के बारे में बात किया गया है, यह गरीबों के लिए एक सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही दुर्घटना बीमा सुरक्षा है योजना है। इसमें मृत्यु होने पर आपको 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है,
या अस्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए का या फिर अथवा 1 लाख रुपए का मिलता है ना। और इसमें प्रीमियम केवल जस्ट 20 रुपए है, पहले ये 12 रुपए का हुआ करता था, अब 20 रुपए का है। इसको लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना, इसमें आपको पेंशन मिलता है, यानी यह असंगठित क्षेत्रों के जो है कामगारों के लिए भारत सरकार ने बनाई गई है। इसमें न्यूनतम जो पेंशन है वो गारंटीड होती है। इसमें आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसके लिए मैंने इन सभी योजनाओं के लिए मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा या फिर अपने लिंक में आपको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसे और देखेंगे कि अटल पेंशन योजना को लेने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसमें जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चार्ट के माध्यम से। देखिए पोस्टर नंबर 13 में सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं के बारे में दिखाया गया है कि एक आयुष्मान भारत कार्ड है जो कि आपको अपने जनसेवा केंद्र से या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं और आप उसमें 5 लाख रुपए तक का अपना मेडिकल बिल अपना क्लेम कर सकते हैं। और जो है अगला है, दूसरा देखा मैंने जैसे बताया कि जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना बुढ़ापे के तैयारी के रूप में जाना जाता है ना। लेकिन यदि आप अभी आपकी उम्र 18 से 20-25 साल है तो अभी आपको लगता है कि कभी कहाँ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा, तब तो इतना कौन प्रीमियम जमा करेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करना चाहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें पेंशन मिलती है बुढ़ापे में, वो जिस दिन नौकरी से आते हैं उसी महीने से उनके सैलरी से कुछ न कुछ रकम कटता रहता है और इतने सालों के कटाने के बाद तब जाके बुढ़ापे में उन्हें पेंशन मिलता है। तो वही बात हो गई, चाहे वो उधर से कट रहा है, इधर से आपको जमा करना है। आप समझ लीजिए कि अभी आपका जब हाथ पैर अच्छे से काम कर रहा है तब आपको छोटी सी प्रीमियम नहीं जमा कर पाते हैं, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब कुछ भी कमाने लायक नहीं बचेंगे तो कैसे जमा करेंगे, सोचने वाली बात है। सोचिए समझिए, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। और देखिए ये पोस्टर नंबर 14 के बारे में बातें की जाएंगी और इसमें नई बैंकिंग की आदतें। और देखिए एक्चुअली बैंकिंग बहुत हद तक बदल चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बैंक डिजिटल हो गए हैं या कैशलेस हो रहे हैं, मतलब आप बिना बैंक जाए बहुत सारे कामों को करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नोट करने वाली बातें हैं, जितना डिजिटल होना अच्छा है उतना ही डिजिटल के बारे में जागरूक भी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कहा गया है कि विज्ञान वरदान है तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी है, इसी तरह से डिजिटल वरदान है तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी है। मतलब आप कहेंगे कि सब तो हम क्या करें, नहीं करें, नहीं करना है। जैसे कि आपको बताया गया है कि आग से खेलना खतरनाक है, तो क्या आप अपने घर में खाना नहीं बनाते हैं, आग से नहीं खेलते हैं, मतलब सावधानी पूर्वक। तो इसी तरह से आप अपने बैंकिंग को भी डिजिटल यूज कर सकते हैं, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप कभी किसी को OTP शेयर ना करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी प्रकार की कहीं पर कहीं कोई सूचना मांगता है तो आपको नहीं देना है। हाँ, आपको सीधे एक चीज कहनी है कि हम उस संस्था के जा करके अपने उस मैनेजर से या हेड से या डिपार्टमेंट में ही बात कर लेंगे और हमारी जो भी समस्या होगी हम सॉल्व कर लेंगे, आपको हम कोई सूचना नहीं देने वाले हैं फोन पर, है ना, क्योंकि फोन पर आगे वाला व्यक्ति कौन बोल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो हम बात करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारे चरण के बारे में बातें की गई हैं, लिखा हुआ है इसमें, है ना। प्रतिभागी से पूछें कि किन अवसरों पर या स्थानों पर उद्देश्यों के लिए नगद रुपया लेकर जाते हैं। आमतौर पर बताएंगे कि वे दुकानों पर, पेट्रोल पंपों पर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में आदि जगहों पर पैसा लेकर जाते हैं। अन्य स्थानों पर नगद रुपया ले जाने के ले जा सकते भी हैं और मतलब कि रुपया ले जाने का क्या खतरा होता है उन्हें आपको बताना चाहिए और उन्हें बताएं कि वे रुपे कार्ड का प्रयोग बिना किसी नकदी के साथ ले भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। कैशलेस के लिए उन्हें क्या का जरूरी होता है, कैशलेस के लिए उन्हें AEPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होना, मतलब आपका जो है क्या बोलते हैं कि आपका जो अकाउंट है आपके आधार से लिंक होना चाहिए और आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन UPI के लिए इनेबल होना चाहिए। ये आप अपनी शाखा में जाके एक्टिवेट करा सकते हैं और आधार कार्ड को अपने आधार से लिंक अपने अकाउंट में करा सकते हैं।
और हम देखेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड भी आप अपने इशू अपने बैंक से जाकर के इशू करा सकते हैं, और डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और बैंक से एक बैंक के एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग ये बेहद ही आज की डेट की सबसे उभरती हुई तकनीक है, जो कि मोबाइल बैंकिंग से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी केनरा बैंक ने अपना केनरा वन का लॉन्च किया है ऐप, और उसमें उसमें लगभग 250 से ज़्यादा एप्लीकेशंस का एक ही जगह पर प्लेटफॉर्म पर दिया गया है, मतलब 250 से ज़्यादा सेवाओं को आप ले सकते हैं सिर्फ केनरा बैंक के मोबाइल ऐप से। और भी बहुत सारे ऐप हैं बैंकों के, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप का भी आप इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए, आप अपने जो भी आपके श्रोतागण हैं उनको आप बताएं कि परिवार के सदस्यों की जो है किसी भी स्थान पर बैंक खाते में फंड ट्रांसफ़र INFT RTGS के माध्यम से भेजा सकता है, और मोबाइल फ़ोन या मोबाइल बैंकिंग के खाते से जुड़ा हो तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि जिनके पास छोटा वाला फ़ोन है यानी कीपैड वाला फ़ोन है, तो वो मोबाइल बैंकिंग नहीं करके इस्तेमाल वो *99# यानी नुप या फिर उसको बोलते हैं USSD के माध्यम से भी आप अपने खाते में अपने बैलेंस इंक्वायरी या फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं IMPS के माध्यम से, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप कर सकते हैं। और स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले भीम ऐप या फिर UPI का इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और उन्हें बताएं कि जो है जब आप इस तरह का काम करेंगे तो पैसा भेजने वाले व्यक्ति को खाता नंबर और IFSC कोड बताना पड़ेगा, तभी वो उसमें पैसे भेज सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर बताकर मोबाइल के माध्यम से भी बैंक खाते से पैसे भेजे जा सकते हैं। और बैंक खाते के साथ आधार नंबर जोड़ने के बाद आपका अपना जो आधार नंबर है उस व्यक्ति को तत्काल बताकर जो है पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप यूजर के लिए जो है कैशलेस बैंकिंग के भी लाभ हैं, जैसे कि आप मनी ट्रांसफ़र यानी मतलब तुरंत पैसा प्राप्त करना और तुरंत भुगतान करना भी हो सकता है, कोई कागजी कार्रवाई शामिल नहीं होती, और नकदी ले जाने का कोई जोखिम नहीं होता है, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके खाते में डिटेल दर्ज भी हो जाता है, भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले को तुरंत मोबाइल पर मैसेज भी प्राप्त हो जाता है कि आपके खाते से इतना कट गया, और प्राप्त होने पर करने वाले को खाते में बता देता है कि आपके खाते में इतना प्राप्त हो गया। और लेन देन करने के लिए किसी भी तरह से किसी भी और सुविधा की जरूरत खासकर से नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार 24x7 यानी 24x7 घंटे कभी भी कर सकते हैं। एक्टिव बस इतना ध्यान रखना है कि आप सेफ हो, मतलब सेफ कंडीशन में ही आप इस्तेमाल करें। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर या पब्लिक प्लेस पर आप जो है इनकर मतलब कहते हैं ना कि ऑनलाइन किसी भी काम को अपने पासवर्ड संबंधी चीज़ों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आपके पासवर्ड्स को निगाह लगा सकता है ना। और यहाँ पर जो है सलाह देना चाहिए कि स्मार्टफोन पर भीम ऐप डाउनलोड करने और कुछ लेन देन करने की सलाह दी जाती है, जिससे कैशलेस को डिबेट कर सकते हैं। इसमें परिणाम एक ही मिलेगा कि आपको कैशलेस के बारे में जानकारी अपने सभी लोगों को देना है। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें पोस्टर को देखेंगे। देखिए, ये नई बैंकिंग की आदतें हैं, डिजिटल यानी कैशलेस बैंकिंग, बिना नकदी के पैसे का भुगतान करना है। और देखिए, ये रुपे कार्ड है, नीचे देख रहा होगा आपको, ये एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं POS डिवाइस, इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं या माइक्रो ATM के माध्यम से आप पैसे भी निकाल सकते हैं। अगला है ये पासबुक, देखिए इसके बिना नगद इसके आप जो है कहते हैं ना कि इसके लिए आपको बैंक में जाकर पैसे निकालना पड़ेगा पासबुक के साथ। और मोबाइल बैंकिंग से करते हैं तो ये जो है बिना बैंक में गए हुए भी आप निकाल सकते हैं, और मोबाइल बैंकिंग से भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे मंगा सकते हैं। और ये भीम ऐप है, भीम ऐप से भी बताया मैंने आपको, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आधार नंबर आप अपने खाते से जोड़ करके, इसको आधार सीडिंग बोलते हैं, आप इससे भी खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या खाते में अपने खाते में पैसे मंगा सकते हैं भेजने वाले को अपना आधार नंबर बता करके। बट एक ही चीज़ कहूँगा मैं इसमें कि आपको सबसे पहले इंश्योर करना है, ट्रस्ट करना है कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, जुनाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैंक से जुड़ा हुआ है, वो हमारे को फ्रॉड या चीटिंग नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं पोस्टर 15 पर, बैंकिंग की नई आदतों के बारे में, ये पार्ट 2 है,
और इसमें आप देखेंगे कि अपनी सुविधा के अनुसार आप बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्देश्य यही है यह दिखाना कि ग्रामीण लोग अपने गांव में ही बैंक संबंधी लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए आप उस गांव की बीसी सखी को बुला लीजिए और उन्हें ट्रांजेक्शन करते हुए लाइव एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए ये इस तरह से ट्रांजेक्शन करती हैं और आप लोग भी अपने खाते से लेन देन इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं। और जैसे कि आपको कहीं पर भी किसी जगह पर जाने की जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर आप कस्बे में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं इस काम के लिए, तो आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या फिर आप अपने बीसी सखी के माध्यम से भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर चरण में है, आप अपने बैंक सखी या बीसी सखी के माध्यम से भी लेन देन करने के लिए बताएं और बैंक शाखा में जाने के समय और पैसा बर्फ भी बच जाता है आपका, और आपकी सबसे बड़ी बात दैनिक दिहाड़ी या आय का कोई नुकसान भी नहीं होता। मशीन उनके लेन देन के बारे में उनकी स्थानीय भाषा में बोल करके भी बताती है और तुरंत उसमें रसीद भी मिल जाता है और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है किसी को मतलब बुला करके उनको बताना है कि ये जो है आप कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं हमें दिखाइए, है ना। और अगला है एटीएम का प्रयोग करते समय सावधानियाँ, किसी को भी कभी भी अपने एटीएम का पिन ना बताएं और स्वयं ही एटीएम कार्ड का प्रयोग करें और प्रतिभागियों को बताएं कि बैंक कभी भी किसी को फोन पर एटीएम के बारे में जानकारी नहीं मांगते और ना ही कभी आपको देना है। यदि आप दे देते हैं फोन पर जानकारी तो आप समझ लीजिए कि जो भी खाते में नुकसान आपका होगा वो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। और अगला है, हाँ, कभी आपके साथ गलती से भी कभी फ्रॉड हो जाए तो तुरंत जितना जल्दी हो सके विद इन 3 डेज के अंदर अंदर आप अपने बैंक को लिखित में सूचना दीजिए ताकि बैंक उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। बिना आवश्यक का विलंब करने से आपका पैसा भी नुकसान में जा सकता है। और बस यही है कि आप अपने मशीनों को देखें और समझें और प्रतिभागियों को जो है बीसी सखी के माध्यम से या बैंक सखी के माध्यम से नगद जमा करके दिखाएं, नगद निकाल करके दिखाएं और उसमें जो है फंड ट्रांसफर करके दिखाएं। यही हम इसमें आधुनिक बैंकिंग के बारे में बात कर सकते हैं, आगे हम इसमें चार्ट के माध्यम से देखेंगे। और देखिए ये हमारे पास पोस्टर में है, 15 नंबर पोस्टर पर, इसमें जो है एक बैंक मित्र है, वो अपने गांव के लोगों को देखिए उनको जो है खाते से पैसा डेबिट करने के बाद उन्हें पैसा भी दे रहा है और उन्हें एक रिसिप्ट भी दे रहा है कि ये आपके खाते से हमने इतना रुपया निकाला है। ये कितना सुरक्षित है और कितना सुविधाजनक है। और आजकल के ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं एटीएम मशीन जिन्हें कि एटीएम डिस्पेंसर बोलते हैं, और इसमें आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं और उसमें पासबुक भी छाप सकते हैं। हमें जहाँ तक मैं समझता हूँ आप में से बहुत कम ही लोग इस तरह के मशीनों को देखे होंगे या यूज़ किए होंगे जहाँ पर कि पैसे जमा भी किए सकते हैं, निकालने वाले आपने बहुत देखे होंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी जो आपका पूरा 15 चैप्टर है, 15 पोस्टर हैं, हमने आज इसके ऊपर में बहुत अच्छे से बात किया और आपने भी हमारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सूचना यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे आगे भी सुनिए, समझिए और इस्तेमाल करिए और इसे आप अपने गांव में लोगों को सुनाइए, समझाइए, दिखाइए कि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं और आप उन्हें हमारी बातों को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा दूर तक ये जानकारियां जाएंगी उतने ज़्यादा ही फायदे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने थे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।